करते हैं अगली खबर का। इटावा में खाद की किल्लत को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने नवीन मंडी परिसर स्थित इफको खाद केंद्र पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह यादव की अगुवाई में बड़ी तादाद में कांग्रेस जन किसानों के साथ में इफको केंद्र पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। कांग्रेस जनों और किसानों के धरना प्रदर्शन पर बैठने के पीछे किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति न होना बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 8 दिनों से किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और इसी वजह से किसान खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच इफको केंद्र प्रभारी हैदर अली खाद संकट को लेकर हैरत भरा बयान देते हुए खाद संकट से पल्ला झाड़ा है। हैदर अली ने कहा कि किसानों को खाद का कम इस्तेमाल करना चाहिए। देख रहे हैं कि किसान कितना परेशान है, खाद नहीं मिल पा रही उसको। इधर बरसात के मौसम ने किसान की वैसे भी इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, धान की कटाई और धान में नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जब आलू की बुवाई चल रही है और सरसों की बुवाई चल रही है, चना की बुवाई चल रही है, ये समय है बुवाई का, और उस समय अगर किसान को खाद नहीं मिल पा रही है तो ये दुर्भाग्य की बात है। कितनी खाद की जरूरत थी आपको, कितनी उपलब्ध हो पाई है? अबे कोई नहीं, 5 बोरी खाद मिली है। एक आधार कार्ड पे 3 बोरी देते हैं, लाइन में लग जाते हैं, सुबह आके 3 बोरी देने के बाद ये कह रहे थे खाद है ही नहीं। भंडारण व्यवस्था थी जो सरकार की तरफ से की जाती थी, उस भंडारण व्यवस्था में थोड़ी सी कमी रही है कि वो पर्याप्त मात्रा में जो है स्टॉक नहीं रखा जा सका है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या है। लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितना सुनने में आ रहा है। लोग जो है आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो सरकार ये भी चाहती है कि जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत जो रिकमेंडेड है डोज है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी एक तरह के समझाना है कि भाई जो है ये बहुत महंगे आइटम है और अपनी जो है कृषि लागत को कम करिए और अनावश्यक रूप से जो है अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये ठीक नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews/